दोस्तों आपने सुना होगा सिक्स हाई मील, फोर हाई मील, ट्वेंटी हाई मील एंड टू हाई मील। ये दोस्तों हाई का क्या मतलब है? दोस्तों एच आई हाई का मतलब है रोल से, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टली इंटरफेस। द वर्ड एच आई इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रोल। एच आई शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है रोल। सिक्स हाई मील इज अ कोल्ड रोलिंग रिवर्सिबल मील हैविंग सिक्स रोल। यहाँ हम लोग मील के बारे में बात करेंगे, यानी रोलिंग मील के बारे में बात करेंगे, जो रिवर्सिबल मील है और जिसके सिक्स रोल। सिक्स रोल के नाम है ए पेयर ऑफ वर्क रोल, अ पेयर ऑफ इंटरमीडिएट रोल, अ पेयर ऑफ बैकअप रोल। तो यहाँ दोस्तों हमने जाना सिक्स हाई मील में कितने रोल होते हैं, हमने जाना सिक्स रोल जिनके नाम, दिस इज सिंगल स्टैंड मील, दिस मील इज अ वर्क रोल ड्राइव मील। यह सिंगल स्टैंड मील है जिसका ड्राइव किस रोल के पास होता है, वह है वर्क रोल। दोस्तों इसे रिवर्सिबल मील कहा जाता है क्योंकि जरूरत के हिसाब से स्टील को रोलिंग के दौरान घुमा सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स। दोस्तों स्टील की थिकनेस को आवश्यकता अनुसार कम करने के लिए लोड की आवश्यकता होती है, जो लोड हाइड्रोलिक के द्वारा मिलता है रोल। द हाइड्रोलिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज लो प्रेशर एलपी सिस्टम, जिसका प्रेशर रेंज होता है 105 बार से 110 बार तक। सेकेंड हाई प्रेशर एचपी सिस्टम होता है, जिसका रेंज होता है 180 बार टू 210 बार तक। दोस्तों यहाँ दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन हैं। एलपी इज यूज टू ऑपरेट एसेसरीज और ऑक्सिलरी ऑपरेशन। एलपी का यूज ऑक्सिलरी ऑपरेशन यानी कम प्रेशर लोड वाले ऑपरेशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में है साइड गाइड, थ्रेडिंग गाइड, कॉइल कार, एयर नाइफ, रोल चेंज ट्रॉली ईटीसी। एचपी सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म लोडिंग एंड बेंडिंग ऑपरेशन। एचपी सिस्टम यानी हाई प्रेशर यूज किया जाता है हाई लोड के लिए, एग्जाम्पल लोडिंग एंड बेंडिंग ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ रोल मील प्रोसेस के बारे में। तो आइए जानते हैं रोलिंग मील प्रोसेस के बारे में, कैसे मील का ऑपरेशन करते हैं, कैसे रोलिंग करते हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स, कोल्ड रोलिंग ऑपरेट्स ऑन टू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन, लोड एंड टेंशन। दोस्तों कोल्ड रोलिंग दो चीज़ों पे काम करती है जो ऑपरेशन के लिए आवश्यक होता है, उनके नाम है लोड एंड टेंशन। इसका अहम रोल है रोलिंग के दौरान, इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट देयर वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन। यानी दोस्तों हम लोग लोड और टेंशन के बिना रोलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन दोनों के अलग अलग रोल हैं, यानी टेंशन के बिना हम लोग विड्थ को मेंटेन नहीं कर सकते, यानी अगर सफिशिएंट लोड नहीं है तो हम लोग थिकनेस को मेंटेन नहीं कर सकते। दोस्तों कोल्ड रोलिंग के दौरान रोल एंड स्टील स्ट्रिप के बीच फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होता है, जो स्टील स्ट्रिप्स के साथ साथ रोल के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए कम तापमान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। दस अ कूलेंट इज यूज्ड टिल द रोलिंग प्रोसेस कंटिन्यूस, इसलिए रोलिंग होने तक कूलेंट का यूज किया जाता है। दोस्तों कूलेंट एंट्री साइड दिया जाता है जहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फर्स्ट पास इज फ्रॉम पे ऑफ रील पीओआर टू डिलीवरी टेंशन रील डीटीआर। फर्स्ट पास दोस्तों
फ्रॉम पे ऑफ रील टू डिलीवरी टेंशन रील होता है DTR। POR एंड DTR के बीच टेंशन मेंटेन रहता है क्योंकि रिक्वाइलिंग टेंडेंसी होती है। दोस्तों, स्टील स्ट्रिप्स का मोशन डिसाइड होता है मील मोटर के स्पीड पे, जो स्ट्रिप्स के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ POR रिवर्सल होता है। स्ट्रिप्स के इस मोड के कारण मॉनिटरिंग टू रीजेनरेटिंग होता है। दोस्तों, यहाँ वर्ड आया मॉनिटरिंग का क्या मतलब है एंड रीजेनरेटिंग का क्या मतलब है। दोस्तों, कुछ दोस्तों का मैसेज आया था कि वीडियो इंग्लिश में बनाए, तो मैंने सिक्स हाई मील से रिलेटेड कुछ वीडियो को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में रिलीज़ किया है। आप जिसमें कंफर्टेबल लगे देखें, समझें एंड दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में वीडियो के नाम हैं मील ऑपरेशन, रोल चेंज, गेज कैलिब्रेशन, मील ऑटोमेशन, रोलिंग मील कॉन्सेप्ट। यह वीडियो हिंदी वर्जन है। तो आइए मील ऑपरेशन को समझते हैं हिंदी। दोस्तों, दूसरा पास DTR से ETR तक होता है और यहाँ DTR रीजेनरेशन मोड में होता है। थर्ड पास ETR से DTR तक होता है, यहाँ ETR रीजेनरेशन मोड में होता है। इस प्रकार आवश्यक थिकनेस मिलने तक ETR एंड DTR के बीच सिक्वेंशियल पास चालू रहता है। लेट्स गो नाउ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। दोस्तों, अब हम लोग रोलिंग मील का सीक्वेंस जान लेते हैं और सीखते हैं कैसे रोलिंग किया जाता है, कैसे फर्स्ट पास ऑपरेट होता है, सेकंड पास ऑपरेट होता है, और कैसे हम रोलिंग के लोड को मेंटेन करते हैं, कैसे सारे ऑक्सिलरी ऑपरेशन होते हैं, और रोलिंग के दौरान कैसे हम लोग ETR और DTR के रोलिंग को मेंटेन करते हैं। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट पास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पास के बारे में जान लेते हैं। पिकल टाइटली स्क्वायर्ड ऑन क्वाइल इज टू बी लोडेड ऑन एंट्री क्वाइल स्टोरेज सैडल बाय सॉफ्ट ईओटी क्रेन। दोस्तों, पिकलिंग लाइन पे क्वाइल को पिकल किया जाता है, उस टाइटली स्क्वायर्ड ऑन क्वाइल को एंट्री क्वाइल सैडल पे लोड करते हैं ईओटी के द्वारा। सेट POR इन मिडल ऑफ एज पोजिशन स्टॉक मैंडल सेंट्रल लाइन ऑन मिल सेंट्रल लाइन। POR मिडल एज पोजिशन सेंट्रल लाइन में फीड करते हैं। पे ऑफ मैंडल को कोलैप्स करते हैं। पे ऑफ मैंडल पे पिकल्ड क्वाइल को क्वाइल कार की मदद से लोड करते हैं। लोअर द क्वाइल कार कंप्लीटली, अब क्वाइल क्वायर को कंप्लीटली डाउन करेंगे। क्वाइल को घुमाने के लिए स्नेबर रोल मोटर और पे ऑफ मोटर को जॉक करेंगे। इस तरह जॉक करेंगे कि आउटर रैप सुटेबल पोजीशन में हो और मिल में एंटर कर सके। थ्री रोल फीडर यूनिट को रेज करेंगे। क्वाइल पिलर को ऊपर करेंगे। यदि ज़रूरत लगे तो बैंड क्वाइल को नाइफ से कटिंग कर दें और पिलर टेबल को एडजस्ट करें, एलिवेट करें और रोटेट करें जब तक क्वाइल करेक्ट पोजीशन में नहीं आ जाता। फीडर यूनिट के माध्यम से क्वाइल नोज को फीड करने के लिए पे ऑफ मोटर को जॉक करते हैं। फिटिंग में हेल्प करने और लूप्स को उछलने से रोकने के लिए स्नेबर रोल ड्राइव मोटर को आवश्यकता अनुसार घुमाएं। क्वाइल कार क्रैडल रोल क्वाइल को इस समय टच कर सकता है या पीछे हट सकता है, जो ऑपरेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड होगा। जब क्वाइल नोच थ्री रोल फीडर लोअर टॉप रोल से होकर निकलता है या गुजरता है, तो लोअर क्वाइल कार एलिवेटर यह रेज पोजीशन में होता है और क्वाइल कार को स्किड पोजीशन में घुमाता है। न्यू रिट्रैक्ट एंड लोअर क्वाइल पिलर नाइफ को अब नीचे लगे।
Lower end extended the carryover table and raised intraside threading of prong. Carryover table को नीचे और बढ़ाएं और entry side threading apron को ऊपर उठाएं. Pay off roll को back लें और snubber roll को आगे बढ़ाएं. Three roll feeder का use करें और entry side पर strip nose को feed करने के लिए pay off drive का उपयोग करें. Deflector roll का use करते हैं और coil को flat करने के लिए निचले रोल का यूज करते हैं. कंटिन्यू स्ट्रिप्स को फीड करते रहें, लेकिन फीड करने के दौरान ध्यान देते रहें वाइपर गाइड्स, साइड गाइड्स, थ्रेडिंग गाइड्स, कोबल गाइड्स एंड स्प्रे का के ये ऊपर होना चाहिए. मील कूलेंट स्प्रे को बंद कर दें अगर आपने बंद ना किया हो तो. बैकअप रोल, बैलेंसिंग सिलेंडर एंड टॉप वर्क रोल सिलेंडर को एनर्जाइज करें. मेंटेन मील पास लाइन, मील पास लाइन को तैयार करें. ओपन एंट्री एंड एग्जिट साइड एयर नाइफ वाइपर्स. एंट्री साइड एंड डीटीआर डिलीवरिंग साइड एयर नाइफ को ओपन कर दें, यानी कि ऊपर कर दें. थिकनेस गेज को बैक रखें कॉइल फीड तक. सीट के विड्थ के हिसाब से साइड गाइड्स को सेट कर लें 5 mm बोथ साइड्स. नाउ फीड स्ट्रिप्स अप टू द एग्जिट गेजेस. अब स्ट्रिप्स को एग्जिट तक फीड करें. क्लोज प्रेशर बोर्ड, प्रेशर बोर्ड को क्लोज करें. मील में जॉग लोड दें 100 to 180 टन. Adjust the tilt of the work roll to seat the strip safe. Seat strips के साइज के अनुसार work roll tilt adjust करें. Jog the mill drive to the feed strip nose over the exit deflector roll. Exit deflector roll पर strip nose को feed करने के लिए mill drive को jog करें. Use exit side shear to cut bad and of the strips and to make a square with the length. If not a square exit side, shear का use करके strips को square shape में कर लें. यदि seat okay नहीं है तो, अगर okay है तो इसकी जरूरत नहीं. Rotate exit side tension rail drum को घुमाएं. Gripper slot को strips entry position के अनुरूप लाएं. यदि ऐसा नहीं है तो कोलैप्स एग्जिट साइड टेंशन रील ड्रम और ओपन स्ट्रिप्स ग्रिपर. कंटिन्यू फीडिंग द स्ट्रिप्स विद द हेल्प ऑफ द थ्रेडिंग एप्रॉन एंड द असिस्टिंग मैनुअली व्हेन द रिक्वायर्ड अंटिल स्ट्रिप नोज एंटर्स ग्रिपर स्लॉट. स्ट्रिप्स को थ्रेडिंग एप्रॉन की मदद से फीड करना जारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर मैनुअल हेल्प से फीड करें जब तक कि स्ट्रिप्स का नोज एंटर नहीं कर जाए ग्रिपर स्लॉट्स में. क्लोज ग्रिपर एंड द एक्सपेंड टेंशन रील ड्रम ग्रिपर बंद करें और टेंशन रील ड्रम को एक्सपेंड करें. डिस्कनेक्ट लेवलर ड्राइव कपलिंग, लेवलर ड्राइव कपलिंग को डिस्कनेक्ट करें. थ्री फीडर रोल के टॉप रोल एंड बॉटम रोल को ऊपर उठाएं या एडजस्ट करें स्ट्रिप्स के अनुसार इसकी आवश्यकता होती है. कैरी ओवर टेबल एंड थ्रेडिंग एप्रॉन बैक लें और डाउन करें. जॉग मिल टू टेक अप टू 11/2-2 turn ऑन एग्जिट टेंशन रील ड्रम. एग्जिट टेंशन रील ड्रम पर सीट को लपेटने के लिए मील को जॉक करें. ब्रिंग एंट्री एंड एग्जिट टेबल गार्ड डाउन पोजीशन. कोबल गार्ड एग्जिट एंड एंट्री को डाउन करें. गिव करेक्ट लोड, लोड सेपरेटिंग फोर्स सही लोड दें आरएसएफ के द्वारा. आरएसएफ यहां एक वर्ड आया आरएसएफ, दैट मींस द रोल सेपरेटिंग फोर्स. कूलेंट स्प्रे ओपन करें. एंट्री एंड एग्जिट साइड टेंशन को एस्टेब्लिश करें. एंट्री एंड एग्जिट गेजेस को थिकनेस गेज पोजीशन में लाएं.
अब फर्स्ट पास से रोलिंग स्टार्ट करें। सेट द राइट टेंशन ग्रेजुअली गिविंग स्पीड रेज कमांड, धीरे धीरे टेंशन बढ़ाएं एंड स्पीड भी बढ़ाएं। पहले पास के अंत में मील को स्लो कर दें, इससे पहले की सीट का लास्ट एंड मैंडल को पे ऑफ छोड़ देता है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पास स्लो डाउन द मील बिफोर स्टिप स्टेल लिप्स पे ऑफ मैंडल। लोअर टॉप रोल ऑफ द थ्री रोल फीडर यूनिट, थ्री रोल फीडर यूनिट को डाउन कर ले। मील ड्राइव का यूज करके थ्री रोल के माध्यम से स्ट्रिप टेल को सेफली आगे खींचे। जब स्ट्रिप्स टेल कैरी ओवर टेबल से निकल जाता है तो मील को बंद कर दे। ओपन प्रेशर बोर्ड एंड द साइड गाइड्स, प्रेशर बोर्ड एंड द साइड गाइड्स को ओपन करें। पुट ऑफ द पे ऑफ रील टेंशन, पुट ऑफ रील के टेंशन को रिलीज करें। कूलेंट स्प्रे को बंद करें। कैरी ओवर टेबल को पीछे हटाएं और पार्किंग स्टेज में लाएं। चेंज द मोड टू द सबसिक्वेंट पास, अब पास को अगले पास यानी सेकेंड पास में चेंज करें। एग्जिट टेंशन रिड्यूस करके लोड 100 to 150 टन करें। एंट्री साइड डिफ्लेक्टर रोल पे स्टिप स्टेल को वापस फीड करने के लिए जॉग मिल एंट्री साइड से बाहर निकाल। ग्रिपर स्लॉट्स को स्ट्रिप्स एंट्री पोजीशन के अनुरूप लाने के लिए एंट्री साइड टेंशन रील ड्रम को घुमाएं। यह ऑटो स्लॉट पोजीशनिंग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें यहाँ एक बटन दिया जाता है ऑटो स्लॉट पोजीशनिंग, यानी कि मैंडल एक बार वन राउंड घूम के आपको एडजस्ट पोजीशन पे आएगा जहाँ की स्ट्रिप्स ग्रिपर स्लॉट्स में जाएगा। अगर स्ट्रिप्स ग्रिपर में फिट नहीं हो रहा हो तो एंट्री साइड टेंशन रील को एक्सपेंड करें। थ्रेड एप्रान की मदद से जॉग मिल द्वारा स्ट्रिप्स टेल को ग्रिपर स्लॉट्स में डालें और जहां आवश्यक हो वहां मैनुअल ऑपरेशन यूज करें। ड्रम ग्रिपर को क्लोज करें। जॉग मिल ड्राइव 11/2-2 टन्स एंट्री टेंशन रील ड्रम में लपेटे। मिल लोड को रीएडजस्ट करें और कूलेंट स्टार्ट करें। एंट्री एंड एग्जिट साइड टेंशन को एस्टेब्लिश करें। एंट्री एंड एग्जिट साइड गेज को आगे लाएं। कंटिन्यू रोलिंग फॉर द सेकेंड एंड द लेटर प्रोसेस। अब मिल रेडी है सेकेंड पास रोलिंग के लिए, इसको आप कंटिन्यू करें। सेकेंड पास एंड नेक्स्ट पास के लिए रोलिंग कंटिन्यू रखें। ध्यान दें इस रोलिंग के दौरान आप सेकेंड कॉइल को लोड कर सकते हैं पे ऑफ रील पे, इसे घुमाकर लेबलर तक लाके रख सकते हैं जिससे नेक्स्ट पास में आपका टाइम सेविंग होगा। अंतिम पास के बाद यानी कि अंतिम पास के अंत में थ्रेड स्पीड कर दें और मिल को रोक दें। बिफोर एंड ऑफ कॉइल लेवल टेंशन रील ड्रम मैक टेंशन ऑफ स्टॉप द कूलेंट स्प्रे फ्लो। क्वाइल रोलिंग खत्म होने से पहले टेंशन रील ड्रम टेंशन को बंद कर दें और मील स्टॉप कर दें। एसक्यू को डाउन करें और एंट्री एंड एग्जिट साइड एयर नाइफ वाइपर को ऊपर करें। क्वाइल को वाइंड अप यानी लपेटने के लिए टेंशन रील ड्रम का यूज करें और क्वाइल कार का यूज करें। When the gripper is opposite to one of the strips on the pusher plate, जब gripper opposite है तो stripper and pusher plate का use करें। Coil car को coil के नीचे लेके आए और इसे coil के position में ऊपर उठाएं। अब tension reel drum को collapse करें and gripper open करें। अब coil को coil car पे रख दें। क्वाइल कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और पुशर प्लेट को पीछे लें। क्वाइल कार को वाइंड क्वाइल के साथ आगे बढ़ाएं। लोअर क्वाइल कार एलिवेटर टू रेस्ट क्वाइल ऑन क्वाइल कार को बाहर लेने के बाद स्टैंड के पास इसे नीचे करें।
कॉइल को ईओटी क्रेन की हेल्प से बाहर निकाल लें। नोट दैट टेंशन रील कॉइल कार शुड बी द प्लेस्ड अंडरनेथ दैट ड्यूरिंग रोलिंग। ध्यान दें, नेक्स्ट रोलिंग के दौरान कॉइल कार को टेंशन रील के नीचे डाउन पोजीशन में रखें। अब आप सेम रूल फॉलो करें नेक्स्ट रोलिंग के दौरान। तो दोस्तों, ये तो थे रोलिंग प्रोसेस। लमसम 25 मिनट्स एक रोलिंग टाइम लगता है, जो आपको हमने बताया प्रोसेस कैसे रोलिंग किया जाता है, कैसे वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, और कैसे टाइम सेविंग करने के लिए हम लोग सेकंड पास या सब्सिक्वेंट पास का यूज़ करते हैं। हमने बताया वन बाय वन ऑपरेशन एंड मील लोड्स के बारे में। अब आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में रोल चेंज के बारे में, रोल चेंज कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या इंटरलॉक्स होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।